नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएच न्यूज जन जन की आवाज और मैं आपके साथ हूँ शीतल खवसे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे। ज्वाइन बटन पर प्रेस कर हमारे चैनल के सदस्य बनकर आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष। असम के दरंग जिले के ढोलपुर गुरुघुटी में गुरुवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, 9 पुलिसकर्मियों की भी घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस और लोगों के बीच यह झड़प तब हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक टीम अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए इलाके में पहुंची। बताया जा रहा है कि असम सरकार ने दरंग जिले के ढोलपुर गुरुघुटी गांव में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चलाया था। इसमें 800 परिवार बेघर हो गए थे। सरकार का दावा है कि ये लोग यहां अतिक्रमण करके रह रहे थे। इस गांव में ज्यादातर पूर्वी बंगाल मूल के मुस्लिम रहते हैं। गुरुवार को सुबह हजारों की तादाद में गांव में लोग जुटे। दोपहर 12:30 बजे प्रदर्शनकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 1:10 पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। 1:20 पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने धारदार हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हुए। 1:25 पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और 5 बाद फायरिंग शुरू कर दी। शुक्रवार को 12 घंटे का बंद का ऐलान किया गया है। डब्ल्यूएच ब्यूरो रिपोर्ट, असम। यह थी आज की विशेष खबर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। तो देखते रहिए डब्ल्यूएच न्यूज। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वेबसाइट www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।